नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक तरंग बाई अमित पब्लिकेशन हाउस से। कौन सा पाठ? पाठ 7, जिसका शीर्षक है पेड़ हमारे साथी। अच्छा बच्चों, ये देखिए पेड़ बना है ना। आप ये बताएंगे पेड़ों से हमें क्या मिलता है, पेड़ों का भोजन क्या है, कितना कुछ मिलता है हमें पेड़ों से। पेड़ों से हमें फल, फूल, सब्जियां, लकड़ी और औजार जिसके बनाते हैं वो, और सबसे बड़ी चीज़ पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, है ना। और पेड़ों का भोजन क्या है बच्चों? पेड़ों का भोजन है, उनको निरंतर हमें पानी देना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, ये पेड़ों का भोजन होता है। हमारी पृथ्वी पर पेड़ों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमें क्या देते हैं? ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। पेड़ों के नीचे बहुत से प्राणियों को आवास मिलता है, मतलब उन्हें घर मिलता है। पेड़ों के नीचे बहुत सारे जीव जंतु जो है, पशु पक्षी हैं, वो भी रहते हैं, और इनके वन्य जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमारा प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ और समृद्ध हो। क्या आप बता सकते हैं कि हमारा सच्चा दोस्त कौन होता है? हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? कौन हमारे वातावरण को साफ और शुद्ध रखता है? सही कहा आपने, पेड़। पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। पेड़ ही हमारे वातावरण को साफ और शुद्ध रखते हैं। पेड़ ही हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं और हमें इनसे जीवन मिलता है। पेड़ हमें फल फूल तो देते ही हैं, इसके साथ ही हमें अनेक लाभदायक औषधियाँ भी देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। पेड़ों से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, और दूषित हवा जो हम छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ खींच लेते हैं। मतलब जो हम दूषित हवा छोड़ते हैं उसको क्या करते हैं? पेड़ खींच लेते हैं, और बदले में हमें क्या देते हैं? स्वच्छ ऑक्सीजन, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेड़ अपने पूरे जीवन काल में हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। पेड़ों की वजह से ही बारिश होती है बच्चों, और बारिश होने से क्या होता है? बारिश होने से वातावरण में कितनी हरियाली, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अनाज, पशुओं के लिए भोजन, बीमारियां दूर करने के लिए जड़ी बूटी, ठंडी छाया, कागज़ आदि भी मिलता है। इतना कुछ होता है बारिश के होने से, क्या हो जाता है? चारों तरफ हरियाली हो जाती है, पीने के लिए पानी मिलता है, खाने के लिए अनाज मिलता है, और बहुत सारी बीमारियां दूर करने के लिए जड़ी बूटी, ठंडी छाया, कागज़ आदि भी मिलता है। इसलिए कहा जाता है कागज़ को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी की लुगदी बनाकर उससे कागज़ बनाया जाता है। पता चला आपको कागज़ कैसे बनता है? जो लकड़ी की लुगदी होती है उससे कागज़ बनाया जाता है, और 1000 किलो कागज़ बनाने के लिए 12 से 17 पेड़ काटे जाते हैं, जब 1000 किलो कागज़ बनता है, ठीक है। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही कागज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कागज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। पेड़ों पर कई जीव जंतु अपना घर भी बनाते हैं। यदि पेड़ ना हो तो पशु पक्षी बेघर हो जाएंगे, उनको कोई घर नहीं मिलेगा। जरा सोचो, अगर हमारे पास घर ना हो तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? इसलिए हमें पेड़ पौधों का उपकार मानना चाहिए, हमेशा मानना चाहिए। यदि पेड़ ना हो तो हम इन सब चीज़ों की कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए हमें पेड़ों को काटने से रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना होगा। इससे हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और हमें शुद्ध और स्वच्छ वायु मिलती रहेगी। बच्चों याद रखो, पेड़ हमारे रक्षक हैं। रक्षक मतलब जो हमारी रक्षा करते हैं, और हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वे पृथ्वी की सुंदरता हैं,
उनकी रक्षा करना हमारी भलाई है, उनकी रक्षा करने में ही हमारी भलाई है। तो बच्चों आपने समझा, आशय आपने जाना होगा कि पेड़ों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। हमें पेड़ों की अब हमें हमेशा रक्षा करनी है, कभी भी हरा पेड़ नहीं काटना चाहिए, ठीक है। और अब हम चलते हैं कठिन शब्द, वातावरण हरियाली, औषधियाँ पृथ्वी, स्वच्छ उपकार, दूषित समस्या, बीमारियाँ कल्पना। और अब आते हैं शब्दार्थ पे, शब्दों के अर्थ। महत्व का अर्थ है अहमियत, वातावरण पृथ्वी के चारों ओर वायु। शुद्ध का अर्थ है साफ, जीवन मतलब जिंदगी, औषधियाँ दवाइयाँ, आवश्यक जरूरी, दूषित गंदा, हरियाली यानी हरा भरा, जड़ी बूटी, औषधि के रूप में इस्तेमाल होने वाले पौधे अथवा जड़। छाया का अर्थ है परछाई, जीव जंतु यानी पशु वर्ग, बेघर जिसके पास घर ना हो। उपकार भलाई या एहसान, कल्पना करना यानी सोचना। समस्या का अर्थ है मुसीबत, रक्षक रक्षा करने वाले। पृथ्वी का अर्थ है धरती और रक्षा करना बचाव करना। तो अभी हमने क्या किए थे बच्चों, अभी हमने करे थे शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। और अब हम करने जा रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे, सबसे पहले प्रश्न है हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका है। अभी आपने क्या पढ़ा, हमारे जीवन में सबसे अच्छा जो सबसे अधिक महत्व किसका है, वो है पेड़ों का, क्योंकि पेड़ हमारे लिए हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेड़ हमारे वातावरण को कैसा रखते हैं, पेड़ हमारे वातावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध रखते हैं। 1000 किलो कागज बनाने के लिए कितने पेड़ काटने पड़ते हैं, 1000 किलो कागज बनाने के लिए 12 से 17 पेड़ों को काटना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कागज को उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपको जरूरत है, बर्बाद नहीं करना चाहिए। पेड़ों पर अपना घर कौन बनाता है बच्चों, पेड़ों पर अपना घर बहुत सारे जीव जंतु बनाते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी बनाते हैं, आपने देखा होगा घोंसला बनाते हैं, और भी बहुत सारे जीव पेड़ों के ऊपर रहते हैं। और अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब हमसे पूछा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो सबसे पहले है पेड़ों से हमें क्या मिलता है, शुद्ध हवा, फल फूल, औषधियाँ, ये सभी। हमें पेड़ों से शुद्ध हवा भी मिलती है, फल फूल भी मिलते हैं और औषधि भी मिलती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, निशान लगा दिया, ये सभी हमें सब कुछ मिलता है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब है कागज़ किससे बनता है, लकड़ी की लुगदी से, प्लास्टिक से, मिट्टी से, इसमें से कोई नहीं, कागज़ बनता है लकड़ी की लुगदी से। और अब है 1000 किलो कागज़ बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, कितने, 13 से 14, 16 से 17, 12 से 17 या 8 से 9 पेड़, कितने पेड़ काटे जाते हैं, 12 से 17। तो हमने यहाँ पे कर दिया, इसके आगे हमने 12 से 17 के आगे निशान लगा दिया। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति, पेड़ों से हमें सांस लेने के लिए क्या, ऑक्सीजन। पेड़ों से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। और अब है हवा में सांस लेने से कई बीमारियां हो सकती हैं, कौन सी, दूषित मतलब गंदी हवा, दूषित हवा में सांस लेने से हमें कई बीमारियां हो सकती हैं। बारिश होने से हरियाली छा जाती है, बारिश होने से वातावरण में, हमने यहाँ पे भर दिया, बारिश होने से वातावरण में हरियाली छा जाती है। हमें पेड़ों को से रोकना होगा, क्या रोकना होगा, हमें पेड़ों को काटने से रोकना होगा। तो हमने यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। और अब हम चलते हैं आगे, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है बारिश होने से क्या होता है, बारिश होने से वातावरण में हरियाली हो जाती है, चारों ओर सब तरफ का वातावरण जो है वो बहुत शुद्ध हो जाता है, वातावरण स्वच्छ एवं
शुद्ध हो जाता है। और अगली लाइन में कौन करेगा? अगली लाइन बच्चों आप करेंगे, आपने पाठ में पढ़ा है बारिश होने से चारों तरफ क्या हो जाता है, क्या हो जाता है ये आप अगली लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और अब है पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, कोई दो बातें लिखे तो सबसे प्रमुख बात जो है, पेड़ हमें बच्चों ऑक्सीजन देते हैं, जो सबसे प्रमुख चीज है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। और एक और आप क्या लिखेंगे, पेड़ हमें बहुत सारी फल देते हैं, अनाज देते हैं, है ना, और लकड़ी का बहुत सारा जिससे औजार बनते हैं वो चीज़ देते हैं, पेड़ हमें कागज देते हैं, पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। ये जो कौन दूसरा वाला कौन लिखेगा, दूसरा सेंटेंस जो है वाक्य है वो आप लिखेंगे पाठ को फिर से एक बार पढ़ के, ठीक। और अब हम चल रहे हैं हमारे अगले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। धुआं कहाँ कहाँ से निकलता है बच्चों? धुआं कारखाने से निकलता है, चिमनी से निकलता है, पेट्रोल गाड़ी के पेट्रोल से निकलता है, धुआं बहुत सारी जगह से निकलता है। गंदी हवा में सांस लेने से क्या होगा? गंदी हवा में सांस लेने से हम दूषित हवा में गंदी हवा में सांस लेने से हम बीमार हो जाएंगे, हमें बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। पेड़ अपने पूरे जीवन काल में हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें पूरे जीवन काल में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें फल देते हैं, हमें अनाज देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं जिससे हम बहुत सारे फर्नीचर भी हमारे यहाँ हम बनाते हैं वो भी हमें देते हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं, हम कागज़ जो जिस पर हम लिखते हैं वो भी हमें जो है हमें वो पेड़ ही देते हैं। पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ क्यों लगाने चाहिए? हमें अधिक से अधिक पेड़ इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं, ये वातावरण में हरियाली देते हैं, पेड़ों से बारिश होती है और बारिश से जो है वो नदी नाले तालाब ये सब भर जाते हैं जिससे पानी की कभी भी कमी नहीं होती है। पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, पेड़ों से हमें बहुत कुछ अनाज मिलता है, वातावरण को शुद्ध रखते हैं, तो पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। और आशा करती हूँ आपने इस पाठ के माध्यम से पेड़ों के महत्व को जाना होगा। ठीक है, तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।